बोलिए। 69,000 मेरा बच्चों से यही निवेदन है सभी से कि जो 69,076 से जो भर्तियाँ हुई हैं उसमें सब लोग सभी जहाँ भी हों वहाँ से 27 मार्च को आकर के इको गार्डन में उपस्थित हो, हम लोग उनके साथ हैं। सर्विस पाने के लिए सब कुछ करना पड़ेगा, तभी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम सब लोग भी यहीं पैसे हैं, यहीं से 27 तक यहीं रुके हैं। सभी बच्चों से मेरा यही अपील है कि सभी बच्चे 27 मार्च को इस आंदोलन में आए कि सभी को अपना न्याय मिले। जब तक न्याय न मिले तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं, जब तक नियुक्ति नहीं मिलेगा तब तक हम हटेंगे नहीं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, दो माताएं हम लोगों के साथ खड़ी हैं और काफ़ी दूर से चल करके हम लोगों का साथ देने के लिए इस इको गार्डन में आई हैं। और इन लोगों ने हम लोगों से कहा है कि बेटा आप लोग परिश्रम करिए, मेहनत करिए, आप लोग अवश्य जीतेंगे। हम लोग तब तक आप लोगों के साथ रहेंगे जब तक आप लोग यहाँ से जीत हासिल नहीं कर लेते हैं। तो मैं आप सभी लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि जो साथी हमारे अभी भी ये नहीं सोच पाए कि हमें 27 मार्च को लखनऊ जाना है, तो मैं उन सभी लोगों से हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ कि आप लोग 27 मार्च को लखनऊ ज़रूर आएँ। आप लोगों का साथ ही हम लोगों का सबसे बड़ा साहस है जिससे हम लोग इस सरकार से लड़ पाएंगे। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 27 मार्च को आएँ और मैं आप लोगों को उम्मीद दिलाता हूँ कि अगर हमारी संख्या अच्छी खासी हो गई तो आपको जीत से कोई रोक नहीं सकता है। धन्यवाद। नमस्ते भैया, मैं 69,000 शिक्षक भर्ती में, मेरी बेटी का भी नाम है लेकिन उसकी बेटी थोड़ा अस्वस्थ है तो वो आने में असमर्थ थी, तो मैंने कहा ये जीवन भर की नौकरी का है सवाल, तो मैं बेटी के जगह जाकर मैं उसका इन भाइयों का साथ दूंगी, बहनों का, कि जिसमें सबको नियुक्ति मिले, और जब तक नियुक्ति नहीं मिलती तब तक मैं यहीं पर रुकूँगी। धन्यवाद भैया। साथियों, आपको मालूम होगा कि 27 मार्च को धन महा आंदोलन का डेट घोषित किया गया है और आप लोग को इसमें जो है हिस्सेदारी करनी है। बढ़ चढ़ कर जो है आप जो है पूरी जो है आप संख्या बल के साथ ये लखनऊ में कूच करना है, जिससे कि सरकार को पता चल सके कि हमारी संख्या कितनी है, हमारी बहुजनों की संख्या कितनी है। और ये आपको दिखाना होगा, क्योंकि इस अगर आप नहीं दिखाएंगे तो भविष्य के लिए एक खतरे की घंटी है। और आप पूरे प्रयास करिए कि आप जिले में एक यूनियन बना के पूरे संख्या बल के साथ जो है लखनऊ में कूच करिए, जिससे कि हम लोग विजय प्राप्त कर सकें।